पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनना, आखिरी दम तक टिके रहने वाला प्यार अगर आपको महसूस करना होगा तो आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिए। आज की मूवी का नाम है अमोर और ये एकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी है। ये दो बूढ़े लोगों की एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि पुलिस एक घर को तोड़ रहे हैं। जब ये घर को तोड़कर अंदर चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें दिखता है कि एक डेड बॉडी है, एक ओल्ड वुमन की होती है। इसका नाम है एना। यहाँ पर उन्हें कुछ लेटर्स वगैरह भी मिलते हैं। जब ये डेड बॉडी के पास आते हैं तब हमें दिखता है कि इसका फ्यूनरल यही हुआ है। ये डेड बॉडी ब्लैक ड्रेस में, इसके आसपास फूल वगैरह है। इसके बाद फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, हमें एना और जॉर्ज दिखाए जाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ओल्ड है और दोनों कंसर्ट देखने के लिए आए हुए हैं। जब ये कंसर्ट खत्म हो जाता है तब वे एक रूम में जाते हैं जहाँ पर आर्टिस्ट होता है। ये जो पियानो आर्टिस्ट है, इसे पियानो बजाना एना ने ही सिखाया था। एना इससे मिलती है, ये इन दोनों को हक करता है और फिर ये घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका जो डोर है किसी ने ओपन करने की कोशिश की है। जॉर्ज कहता है कि ये स्क्रू ड्राइवर से वो कर रहे थे, ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल्स नहीं थे। ये दोनों थोड़े से डर गए होते हैं। एना कहती है, अगर हम सोए हुए होंगे और कोई ऐसा करेगा तो मैं डर से ही मर जाऊंगी। जॉर्ज कहता है कि इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। जॉर्ज एना को कहता है कि आज रात तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। एना भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हें आज क्या हो गया है। नेक्स्ट दिन सुबह जब होती है तो हमें पता चलता है इनका जो बाथरूम है ये क्लॉक हो चुका है। जॉर्ज प्लम्बर को वगैरह कॉल लगाता है और जल्दी उसे आने के लिए कहता है। ये दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि ये लोग बहुत ही टाइम लगाते हैं। ये जब बात कर रहे होते हैं तो अचानक एना रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। थॉमस इसे बात करता है पर ये कुछ ही बोल नहीं रही होती, एक ही जगह पर बैठ कर एक ही जगह वो देख रही होती है। जॉर्ज डर जाता है, पानी लाता है और उसके चेहरे पर लगाता है। ये अभी भी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। ये अपना कोट पहनता है, एना के लिए कोई तो हेल्प चाहिए इसीलिए वो अब घर से बाहर जा रहा होता है। तभी एना नल बंद करती है। ये फिर से नॉर्मल में आ चुकी होती है। जॉर्ज फिर इसके पास जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था। इसे कुछ भी पता नहीं होता कि ये फ्रीज हो चुकी थी। जॉर्ज इसे सब कुछ समझाता है, इसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता। जॉर्ज कहता है कि सीरियस हो सकता है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये डॉक्टर को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाता है पर एना उससे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये डॉक्टर से हमेशा से बहुत डरती है। ये कहती है कुछ सीरियस तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब है मैं ठीक हूँ, इसके लिए तुम्हें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे वो बहुत ही फोर्स करती है, इसी वजह से डॉक्टर को कॉल नहीं करता। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। हमें दिखता है कि जॉर्ज की डॉटर उसे मिलने के लिए आई हुई है। इसके बच्चों के बारे में कहती है, इसके बच्चे भी पियानो बजाते हैं। जॉर्ज इसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो इसका हस्बैंड का अफेयर हो चुका होता है। ये कहती है कि उसका अफेयर था पर फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं। यहाँ हमें एक इंसाइट मिलती है, इतने साल हो चुके फिर भी एना और जॉर्ज ये दोनों एक साथ ही रह रहे हैं। इनका जो प्यार है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके कंपैरिजन में इसकी डॉटर और इसका सन इन लॉ, इनमें अभी ज़्यादा प्यार नहीं बचा है। जब अपने बेटी से पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो, ये कहती कि मुझे पता नहीं है। जॉर्ज की बेटी फिर अपनी मदर के बारे में पूछती है। जॉर्ज कहता है कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी। हमने जब ऑपरेशन करवाया तो 5% केसेस में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इसका केस इसमें ही आ गया, यानी कि एना की हालत अब ख़राब हो चुकी है। एना अभी हॉस्पिटल में होती है। थोड़े दिन बाद हमें दिखता है कि एना अब घर आ रही है। एना व्हीलचेयर में होती है। पहले जब यह फ्रीज हो गई थी तभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसे स्ट्रोक नहीं आता। ये जो इसकी हालत हुई है, इसे स्ट्रोक आने की वजह से हुई है। इसकी पूरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुकी है। अब एना घर आ चुकी है तो जॉर्ज सब कुछ घर में ठीक ठाक कर देता है। उसके लिए अलग सा बेड वो बनाता है। जॉर्ज का नेबर उसे हेल्प करता है और वो एना को देखने के लिए आता है। जब ये नेबर चला जाता है तो जॉर्ज एना को लिविंग रूम में लेकर आता है। एना उसे उसकी चेयर में बिठाने के लिए उसे बोलती है। ये उसे व्हील चेयर से उठाता है और जहाँ वो हमेशा बैठती थी वही उसे बिठा देता है। एना उसे कहती है कि कभी भी मुझे हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, इसको बहुत ही हॉस्पिटल में तकलीफ हुई है और वैसे भी इस हॉस्पिटल से वो डरती ही है। जॉर्ज कुछ बोल रहा होता है पर यह कहती है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम्हारा जो लेक्चर है ये तुम्हारे पास ही रखो, तुम मुझसे वादा करो कभी भी तुम मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाओगे। जब रात होती है तो एना को अपने बेड पर यह सुला कर देता है। एना उससे एक बुक मांगती है। एना उससे कहती है कि अब तुम अपना काम करो, तुम्हें मेरी और भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपना ख्याल रख सकती हूँ। एना फिर अपने एक हाथ से बुक पढ़ने लग जाती है। जॉर्ज बाहर जाना, ग्रोसरीज लाना, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो इसे हेल्प करने के लिए इसकी नेबर की जो वाइफ होती है ये आती है। इसे सब कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेकर आती है। इसके नेबर्स इसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एना को अब टॉयलेट करने में, शावर करने में, सब चीज़ों में हेल्प लगती है। जॉर्ज हमेशा उसकी हेल्प करता रहता है।
रात होती है तो ऐना को जो तकलीफ है इसके बारे में सोचकर जॉर्ज को नींद नहीं आती है। सुबह हमें ब्रेकफास्ट पर ये दोनों बात कर रहे दिखता है। जॉर्ज उसकी बचपन की कहानी उसे सुनाता है। कहता है कि एक बार मैं मूवी के लिए गया था, एक रोमांटिक लव स्टोरी थी, इस वजह से मैं रोने लग गया था। इस मूवी के कैरेक्टर एक दूसरे से मिल नहीं पाए तो इसलिए मैं फूट फूट कर रो रहा था। जब मैं घर वापस आया तो वहाँ एक लड़का था, मैं उससे बड़ा था। इसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने उसे फिर मूवी की स्टोरी बताना शुरू कर दी। मुझे रोना आ रहा था पर मैं उसे दिखा नहीं पाया। ये दोनों इस पर हंसने लग जाते हैं। ऐना कहती है कि इतने साल हमारे शादी को हो गए फिर भी तुमने मुझे स्टोरी कभी नहीं बताई। जॉर्ज कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई है। ऐना पूछती है क्यों नहीं बताई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। जॉर्ज कहता है कि मेरी इमेज क्या है, ये कहती है कि तुम मॉन्स्ट्रस हो पर कभी कभी तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ऐना और जॉर्ज दोनों बैठे हुए होते हैं। ऐना अपने हॉरोस्कोप रीड कर रही होती है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, इसे हम अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। इनका जो फ्रेंड होता है ये मर गया होता है, अब जॉर्ज को उसके फ्यूनरल पे जाना होता है। इसे अच्छा नहीं लगता पर इसे फिर भी जाना ही पड़ेगा। जब ये अगले दिन चला जाता है और फिर वापस आता है तो उसे दिखता है कि ऐना फ्लोर पर पड़ी हुई है। ये चलने की कोशिश कर रही थी और एक गिर गई थी। जॉर्ज उसे मदद करता है और एक रूम में लेकर आता है। ऐना उसे इस फ्यूनरल के बारे में पूछती है। ये कहता है कि ये जो फ्यूनरल था ये बहुत ही घटिया था। मरने के बाद जो फ्यूनरल होता है उसमें उसकी फैमिली जो सब लोग आते हैं ये सबको देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। अपने फ्रेंड को गाड़ता हुआ देखकर इसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। ऐना फिर इसके बाद कहती है जिस तरह से मैं जी रही हूँ इस तरह से जीकर क्या फ़ायदा, मैं तुम पर एक बर्डन ही बन रही हूँ। जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करती। ऐना कहती है पर ऐसा नहीं है, तुम मेरी जगह नहीं हो। जॉर्ज कहता है कि हम तुम्हारी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, थोड़े दिन में तुम चलने लग सकती हो। ऐना कहती है कि मुझे इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, वो फिर सोने के लिए जाना चाहती है। नेक्स्ट दिन इनका जो स्टूडेंट था जो अब पियानो आर्टिस्ट बन चुका है ये इनसे मिलने के लिए आता है। ये कहता है कि आज ही मैं पेरिस में आया हूँ, वो आते हुए इनसे मिलने आ गया। ये ऐना से मिलना चाहता है, जब ऐना को ये देखता है तो शॉक में होता है। ऐना कहती है कि हम तुम्हारी सीढ़ी आज बाहर करने वाले थे और तुम ही आ गए। ये कहता है कि मैं भूल गया, मैं आपके लिए वो सीढ़ी लाने वाला था। ये कहते हैं कि तुम्हारे सक्सेस के लिए हम $20 तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। ऐना फिर इसे पियानो बजाने के लिए कहती है। ये कहता है कि मुझे वो धुन अब याद नहीं है फिर भी ये पियानो बजा देता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जो सब इन दोनों का रूटीन चल रहा था वो चलता रहता है। फ्रैंक खाने पीने में उसके नहाने के लिए सब उसे मदद करता है। एक दिन रात में जब यह सोया हुआ होता है तब इसे एक सपना आता है कि उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं, इन चोरों ने इसे बेहोश कर दिया है, ये वो सपने में देखता है। इसके बाद वो अपने नींद से डिस्टर्ब होकर उठ जाता है। नेक्स्ट दिन ऐना और जॉर्ज को एक लेटर मिलता है। इनकी डॉटर एंड इनका सन इन लॉ ये दोनों इन्हें मिलने के लिए आने वाले होते हैं। ऐना कहती है मुझे अभी किसी से भी नहीं मिलना पर फिर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इनका जो स्टूडेंट होता है इसका भी लेटर आता है, इसमें लिखा होता है कि आपकी हालत देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा था। ऐना यह सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है। जब ये लंच कर रहे होते हैं तो लंच करते हुए वो जॉर्ज को उठाती है, वो कहती है कि एल्बम लेकर आओ। वो जब यंग थी उसने जो सब अपनी लाइफ जी है ये सब चीज़ें वो देखती है। ऐना खुश है तो जॉर्ज उसे ही देख रहा होता है, ये कहती है कि मेरी तरफ मत देखो। नेक्स्ट दिन सुबह जब ऐना उठती है तो उसने बेड गीला कर दिया होता है। जॉर्ज उसे सब कुछ हेल्प करता है और जब ये बाथरूम में जा रहे होते हैं तब ये रोने लग जाती है। जॉर्ज उसे शांत करा रहा होता है। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं और हमें दिखता है कि ऐना की जो कंडीशन है ये और भी ख़राब हो चुकी है। अब वो बेड से भी उठ नहीं सकती और वो कुछ बोल भी नहीं सकती। ऐना से मिलने जब उसकी डॉटर आती है तो अपने आप ही बड़बड़ करने लग जाती है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हाउस बाय करने वाली है, ये सब चीज़ें उसे बताती है। ऐना उसे बात करना चाहती है, एक एक वर्ड वो बोलती भी है पर इसे कुछ इसका सेंस नहीं आता। जॉर्ज इसके सन इन लॉ से बात कर रहा होता है तो कहता है कि हमने एक नर्स भी अब लगाई है, और भी एक नर्स वो ढूंढने वाला होता है जिससे ऐना की अच्छे से केयर वो ले सके। जब इसकी डॉटर यहाँ आती है तो कहती है कि अब क्या होने वाला है। जॉर्ज कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि हॉस्पिटल में मुझे ऐना को छोड़कर आना चाहिए, तो ये नहीं होने वाला। अगर मैं उसे हॉस्पिटल में भी छोड़ कर आऊँगा तो वो ओल्ड एज होम चली जाएगी, मुझे ऐना के लिए नहीं चाहिए। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल इस घर में ही रखूँगा, जो हॉस्पिटल में इसकी केयर लेते हैं ये सब केयर मैं उसकी यही लेने वाला हूँ। ऐना की केयर करने के लिए जब नर्स वगैरह आती है तो जॉर्ज ये सब सीख लेता है। ये एक दिन बैठा हुआ होता है तो इमेजिन करता है कि ऐना फिर से पियानो बजाने लग गई है। ये ऐना को खाना खिलाता है पर ये ज़्यादा खाना नहीं खाती, जब पानी पिला रहा होता है तो पानी भी नहीं पीती। इसने जैसे कहा था कि इसे मरना है तो यही वो कर रही है।
कुछ भी खाना ना खाते हो, इसे मर जाना है, यही इसकी इच्छा होती है। जब इसकी नर्स आती है और इसे नहला रही होती है तो बहुत ही बुरा इसका हाल करती है। पानी गर्म होता है तो यही डाल देती है, इसे एज अ ऑब्जेक्ट उसे वो ट्रीट करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉर्ज का नेबर उसे सब सब्जियाँ वगैरह देने के लिए आता है। जाते जाते नेबर कहता है कि तुम दोनों को देखकर हमें बहुत ही इंस्पायर्ड फील होता है। जिस तरह से जॉर्ज एना की केयर करता है, ये देखकर, इनका लव देखकर इसे बहुत ही इंस्पायर्ड महसूस होता है। जॉर्ज जरा जब बाहर जाकर आता है तो अंदर आने के बाद उसे एक कबूतर उनके घर में दिखता है। खिड़की वगैरह खोलता है, उसे बाहर फेंक देता है। एना की जो न्यू केयर टेकर थी वो अच्छे से उसे ट्रीट नहीं करती थी। फ्रैंक फिर उसे फायर कर रहा होता है। ये कहती है कि मेरे इस प्रोफेशनल करियर में कभी मुझे कंप्लेंट नहीं आई है। जॉर्ज उसे कुछ कह नहीं रहा होता, ये चिढ़ गई होती है। जॉर्ज फिर कहता है कि जिस तरह से तुम मेरी वाइफ को ट्रीट कर रही थी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगे तब कोई तुम्हें इसी तरह से ट्रीट करे। इसको सब वो पैसे दे देता है और निकाल देता है। इस दिन जब जॉर्ज आना को खाना खिला रहा होता है तो ये खाना वो खा नहीं रही होती, पानी भी पी नहीं रही होती। जॉर्ज फिर उसे कहता है कि अगर तुम पानी वगैरह नहीं पियोगे तो मैं हॉस्पिटल में रख दूंगा। ये फिर एक बड़ी सी सिप लेती है और सब कुछ बाहर निकाल देती है। थोड़े दिनों बाद इनकी डॉटर इनसे मिलने के लिए आती है। ये एक सरप्राइज विजिट होती है। वो फादर से बात करती है, मदर के बारे में पूछती है। जॉर्ज कहता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, ये कुछ कह भी नहीं पाती और पेन में ही रहती है। कभी कभी हंसने लग जाती है तो कभी कभी अचानक रोने लग जाती है। कभी कभी घंटों तक वो पेन में रहती है। जॉर्ज ने एना को रूम लॉक कर दिया होता है। इस पर इसकी बेटी चिढ़ जाती है। जॉर्ज कहता है कि उसे तुमसे नहीं मिलना है। वो फिर रियलाइज करता है कि ये गलत है और अपनी बेटी को अपनी मदर से मिलने देता है। डॉक्टर जॉर्ज से पूछती है कि अब क्या, हमें इसके बारे में कुछ सीरियसली बात करनी चाहिए। जॉर्ज कहता है कि अभी तब जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है, तुम इसमें कुछ भी कर नहीं सकती। मैं एना को हॉस्पिटल में नहीं डालने वाला, तो क्या फिर तुम इसकी केयर करोगी? अब ये सीन यही एंड हो जाता है। जॉर्ज एना के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है। ये बोल नहीं पाती है तो इसके लिए बोलने की प्रैक्टिस वो लेता रहता है। हर रात वो प्रैक्टिस करते हैं, वो गाना गाता है और ये भी गाना गाने की कोशिश करती है। जॉर्ज इसके लिए बहुत एफर्ट लेता है पर फिर भी एना को अभी जीना ही नहीं होता। वो खाना पीना कुछ भी नहीं कर रही होती। एक दिन बहुत घंटे हो जाते हैं और फिर भी एना पेन में ही होती है। ये चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि दर्द में है। जॉर्ज फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। वो अपने बचपन की और एक स्टोरी उसे सुनाता है। वो कहता है कि मैं जब छोटा था तो एक समर कैंप में मुझे भेजा गया था। ये जो कैंप था ये घर से बहुत ही दूर था और मैं फिर वापस नहीं जा सकता था। इस समर कैंप में वो जब गया तो बहुत ही एथलेटिक टाइप था। इन बच्चों से बहुत सारी एक्सरसाइज वो करवाते थे और इसके बाद इन्हें खाना भी अच्छे से नहीं मिलता था। जॉर्ज कहता है कि एक दिन मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैं बहुत ही रोने लग गया था। मैं मेरी मदर को लेटर्स लिखता था। इस लेटर्स पर मैं स्टार्स बनाता था। मेरे लेटर्स मेरी मदर बहुत ही संभाल कर रखती थी। एक दिन फिर मैं बहुत ही बीमार पड़ गया, मुझे क्वारंटाइन में रखा गया। मेरी मदर मुझसे मिलने के लिए आई पर अंदर काश था। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। हम एक दूसरे के पास तो थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। यही ये स्टोरी ख़त्म कर देता है। अपनी पिलो हाथ में लेता है और एना के मुंह पर लगाता है। एना की सांस बंद हो जाती है और वो मर जाती है। एना और वो एक दूसरे से, अब वो पास है फिर भी बात नहीं कर पाए, एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एना बहुत ही पेन में है, ये वो देख नहीं पाता, इसलिए इसके लिए वो एक कर देता है। इसके लिए वो फूल वगैरह लेकर आता है। इसका फ्यूनरल वो इसी रूम में कर देता है। मूवी के बीच में हमने देखा था कि इसे फ्यूनरल थोड़े भी पसंद नहीं आते। जो सब लोग इनके आसपास होते हैं ये इनसेंसियर होते हैं। जो रिस्पेक्ट मरे हुए आदमी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए अपनी वाइफ का फ्यूनरल वो इसी घर में कर देता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वो लेटर लिख रहा है। लेटर लिखते हुए एक कबूतर वहाँ जाता है। ये कबूतर घर से बाहर नहीं जा रहा होता। एक को क्लॉथ लेता है और इसे डालने की कोशिश करता है। कबूतर इसमें पकड़ा जाता है और इसे वो छोड़ देता है। ये अपने लेटर में लिखता है कि जो कबूतर था इसे मैंने एक सेकंड के लिए ट्रैप कर दिया था पर इसके बाद मैंने इसे फ्री कर दिया है। यह जो सीन है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी जो वाइफ थी ये ट्रैप्ड हो चुकी थी। थोड़ी सी तकलीफ इसने अपनी वाइफ को दी थी पर इसके बाद इसने अपनी वाइफ को फ्री कर दिया है, ऐसा उसे लगता है। नेक्स्ट सीन में जॉर्ज एना के साथ घर से बाहर जा रहा है, ये हमें दिखाया गया है। ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि एना के मर जाने के बाद जॉर्ज भी इसके साथ मर गया है, इसने भी सुसाइड कर ली है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। आपको एंडिंग सैड लग सकती है पर यही सही एंडिंग है। एना अगर जिंदा रहती तो वो बहुत ही पेन में रहती और वही चाहती थी कि अब उसे जिंदा नहीं रहना है, उसे किसी पर भी बोझ नहीं बनना है। फ्रैंक को इससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसे बोझ नहीं समझता था, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी था। पर जब एना को बहुत ही पेन होने लग गया, वो हमेशा दर्द में रहने लग गए, तब उसे उसने फ्री कर दिया। उसके साथ ये भी मर गया। इतने साल एक दूसरे के साथ रहे थे, इनका प्यार इन्होंने एक साथ मरकर अमर कर दिया।
हम मूवी में अलग अलग लव स्टोरीज देखते हैं, बट इस मूवी में लव स्टोरी को रीडिफाइन कर दिया है। बहुत ब्यूटीफुल मूवी थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।